बिहार के पूर्णिया में घरों में बाढ़ का पानी आने की वजह से कई गांव में संकट गहरा गया। भारी बारिश और बाढ़ आने की वजह से कई गांव के लोग अब राहत कैंपों की शरण ले रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और कहा कि बाढ़ प्रभावितों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस टीम लगी हुई है। घटा है पिछले 2-3 दिनों से जो हालत थी, तो आसपास के टोले के लोग जहाँ पानी घुस गया था घरों में, वो लोग यहाँ कैंप कर रहे थे। तलाबड़ी पंचायत है, तो काफ़ी रिमोट एरिया है। SDRF की टीम के साथ, SDRF की टीम ने भी अच्छा काम किया है और यहाँ भी कैंप लगाया गया, उसमें सब चीज़ की व्यवस्था है। अभी हम लोग बाढ़ पीड़ित ने सब खाना भी खाया और मेडिकल कैंप की व्यवस्था है, कोई आदमी बीमार नहीं, और किचन है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। कम्युनिकेशन की भी व्यवस्था की गई है, खाने और राशन ब्लॉक सभी आपस में समन्वय स्थापित कर काम कर रहे हैं, अलर्ट पे हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालकर कैंपों में पहुंचा दिया है, जो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। पर देखना होगा क्या प्रशासन इसी तरह आगे भी लोगों की मदद करता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।